सहारा संघ संस्था द्वारा आयोजित चौथा स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2022 मुंबई के अंधेरी पश्चिम मेयर हॉल में 5 मई को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवार्ड को 12 कैटेगरी में बांटा गया, जहां मुंबई सहित दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, नागपुर जैसे कई अन्य राज्यों से लोग इस अवार्ड को लेने के लिए पहुंचे। इस अवार्ड से सोशल वर्कर, टीचर, पुलिस विभाग, बॉडी बिल्डिंग, खेल, साहित्य, चिकित्सा, कोरोना योद्धा, पत्रकारिता द्वारा देश सेवा करने वाले ऐसे कई लोगों को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं सबने इस पर क्या कहा। समाज सेवा कहते तो सब लोग हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आजकल करते कम हैं और दिखाते ज़्यादा हैं। लेकिन ये जीवनधारा संघ, मुझे इसको देख के बड़ा मन हर्षित हो रहा है कि आज से 2 साल पहले जब मैं आई थी तब एक ही पौधा था, लेकिन आज ये वट वृक्ष हो गया है। और इस सबका श्रेय जो जाता है जीवनधारा का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी, मनोज झा जी और इनकी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को एक परिवार की तरह महसूस करता है। क्योंकि परिवार में जिस तरीके से प्यार से सींचा जाता है, क्योंकि सामाजिक संगठनों में सिर्फ मान और सम्मान, आज ये प्यार और ये मान सम्मान ही है जिसके लिए मैं दिल्ली से यहाँ चल करके आई हूँ। और बस यही आशीर्वाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके इनकी भागीदारी होती है, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो कोरोना के अंदर, आज जहाँ आपने देखा कि एक पिता ने पुत्र को हाथ नहीं लगाया और पुत्र ने पिता को हाथ नहीं लगाया, वहाँ पर बढ़ चढ़ करके जीवनधारा संघ ने उनका अंत्येष्टि किया। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर समाज के अंदर ये पीछे रहे, चाहे वो भूखों को भूख मिटानी हो या कोई गरीब हो जिनके पास कपड़े ना हो, तो हर तरीके के क्षेत्र में ये लोग आगे से बढ़ के काम कर रहे हैं। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है कि नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल होना चाहिए, और अब की बार जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तब तक ये इंटरनेशनल हो जाए। ये हम लोगों ने जो अवार्ड दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में दिया, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, स्पोर्ट्समैन और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी तरह से यूथ आइकॉन, मतलब अलग अलग श्रेणी से अवार्ड हमने दिया है। और हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से सोशल मीडिया के तहत और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने बोला था कि सबसे प्रोफाइल मंगाई थी और उसमें 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन करके ये अवार्ड हम लोगों ने दिया है। जितने अवार्डी और गेस्ट आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे बोलने पर जो गेस्ट है और जो भी चीज़ें हैं हमारे काम को देखकर किसी ने ना नहीं किया और अपना कीमती समय देकर सब लोग यहाँ पहुँचे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पहले तो 8 कैटेगरी थी हमारी एनजीओ के, लेकिन अभी कुछ इस तरह से काम बढ़ते लोग बढ़ते गए, कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड बढ़ा, इस तरह से हम लोग टोटल अभी 12 कैटेगरीज रखा था। तो अवार्ड शो तो बहुत लोग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले करते, बहुत लोग करते अलग अलग तरीके से, कुछ लोग पैसे लेके करते अवार्ड शो, कुछ लोग दिखावे के लिए करते, हम लोग दिखावे के लिए अवार्ड शो नहीं करते। हम लोगों में जो लोग गरीब लोग और जो नीचे स्तर के लोग हैं, उन लोग जो मेहनत करते हैं उनको दिखाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अवार्ड देते हैं, इस तरह से ऐसा हम लोग सिंपल अवार्ड करते हैं। सुधा भारद्वाज मैडम ने अंकुरण डाला था, उसको बड़ा बीज करके गोविंद पांडे जैसे होनहार, जिन्होंने कोरोना काल ही नहीं मेडिकल कैंप से लेकर के ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के, मैं इस बच्चे के लिए एक बोलूँगा जो अभी तक 23 बार ब्लड दे चुका है ये इंसान, जीवन देना धारा संघ एनजीओ बनाने से पहले से लेके आज तक। हमारा मकसद सिर्फ ये है जो जहाँ जहाँ अभी 15 राज्यों में जो है, भारत के 15 राज्यों में एनजीओ पहुँच चुका है, जीवनधारा पहुँच चुकी है, और हर जगह जा करके अच्छे से अच्छे काम करने का काम गोविंद जी और हमारी टीम करती है, जिसमें सुधा भारद्वाज जी का अहम योगदान होता है, सभी लोगों का अहम योगदान होता है, मीडियाकर्मी का सबसे ज़्यादा अहम योगदान होता है, पुलिसकर्मी का योगदान होता है, क्योंकि कोरोना काल में जो सिग्नल के ऊपर में कई ऐसे सिग्नल थे, ऐसे जगह थे जहां पुलिस वाले को छुट्टी नहीं, उनको ड्यूटी करनी है, ऐसी अवस्था में पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सब जीवनधारा का हर एक सिपाही ने किया है, और आशा नहीं विश्वास है आगे भी इस तरीके से हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 संरक्षक के बीच में बैठे हैं,
और आज अवार्ड फंक्शन हमारा जो है हुआ है और ऐसे ऐसे मेधावियों को हमने अवार्ड दिए है जो अपने अपने कार्य कौशल से जो अच्छा काम किए उसी को अवार्ड दिया जाता है। फोबिया इनको है समाज सेवा का, मुझे नहीं लगता कि वो फोबिया किसी और में होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपने प्यार से, मृदुलता से, व्यवहार से, हर तरीके से सामने वाले को ये इम्प्रेस कर लेते हैं और उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ें। तो हमारा आशीर्वाद पहले भी था और आज भी है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। आज इस संस्था को ये आशीर्वाद दे रही हूँ। कोरोना के काल में इस NGO ने बहुत अच्छा वर्क किया है। ये एक ऐसा NGO है, एक ऐसा नहीं बोलूँगी, ये एक ही ऐसा NGO है जो खुद इतना बड़ा कार्य करता है बिना डोनेशन का, मतलब खुद के पैसे डालकर ये काम करता है। क्योंकि बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन यहाँ वहाँ से डोनेशन लेकर करते हैं, डोनेशन मिला तो NGO चला, नहीं तो NGO नहीं चला। लेकिन जीवनधारा NGO जो गोविंद पांडे जी चला रहे हैं, ये कभी डोनेशन का वेट नहीं करते, ये खुद उनको समाज सेवा करने की बहुत इच्छा रहती है और ये एक अच्छा गुण है उनके अंदर। और मैं चाहती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि सिर्फ गोविंद पांडे जी की वजह से ही ये NGO आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड और जो अपने संघ है जीवनधारा संघ, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हो गए या फिर एथलीट्स हो गए, क्रिकेट को छोड़ के अदर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जितना क्रिकेट को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी ट्रॉफी है जो हमारे हर एक एथलीट के दिल में एक ऊर्जा जगाती है कि यू नो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए और जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड मिला है तो और अच्छा करना चाहिए। प्रॉपर खेलेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ये गोविंद भाई हैं जिनसे बहुत पाठक जी ने मेरी मुलाकात करवाई थी। हम लोग एक दूसरे से इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग समाज में रह के एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ नहीं है। हम जब से लॉकडाउन लगा तभी से सबको पता चला है कि पैसा काम नहीं आता लेकिन एक दूसरे का साथ काम आता है। बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा था लेकिन वो खा नहीं सकते थे, लेकिन इनके जैसे लोग ही थे जो घर घर जाकर, चाहे हाई फाई सोसाइटी रही हो या झोपड़पट्टी रही हो, ऐसे कई सारे जगह थे जहाँ पर गोविंद भाई ने बहुत सारी हेल्प पहुँचाई। और ये मेरे सामने की बात है, जब हम उनसे अभी थोड़ा दिन पहले मिले थे, उन्होंने जिक्र किया था मलाड मालोनी में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका घर तोड़ दिया गया था, हालांकि वो उनके परिवार के लोग थे जो वो चीज हड़पना चाहते थे, और ये एक बाहर का लड़का होके उनको अपनी माँ बनाकर उसने उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सबसे अच्छी चीज है मेरे लिए, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से अगर खड़ा रहता है दूसरे के लिए, हम उसके साथ हैं।